कल हमने इंसर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस जो लास्ट ऑप्शंस थे उनको भी कर लिया था। आज हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ रहे हैं जिसमें हमने होम और इंसर्ट को कर लिया है। आज हम पेज लेआउट पे आ रहे हैं। पेज लेआउट को हम देखते हैं कि क्या होगा, किस तरह से हम इसको करेंगे। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना, जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर लाइफ, डू नॉट बी सैड, जस्ट रिमेम्बर दैट टफ रोल्स आर गिवन टू ओनली गुड एक्टर्स। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन हमारा है, इस लेसन में पेज लेआउट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पेज लेआउट जो है, पेज लेआउट को किस तरह से परफॉर्म करना है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, आपके सामने थीम आएगा, कलर आएगा, फॉन्ट है, इफेक्ट है, ये सब चीजें हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी रामबन। मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ जो अवेलेबल ऑप्शन है उनको यूज करके। अब आप देखें कि इसमें आपके पास पेज लेआउट में सबसे पहले यहाँ पे थीम आ रहे हैं। थीम को मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो डिफरेंट टाइप्स के थीम्स आपके पास निकलेंगे। कोई भी थीम आप इसमें से ले सकते हो। जैसे ही मैं ये थीम पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है फॉन्ट। फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, जिसको जो भी आपको चाहिए, जिस तरह का चाहिए। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। इस थीम से क्या हो गया कि इसका फॉन्ट साइज जो है वो रिप्लेस हो गया है, चेंज हो गया है। इसको मैं एक लाइन में ले लेता हूँ। इसके बाद आपके पास इन फॉन्ट्स में ये डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स, इनको भी चेंज करने का ऑप्शन है, जो भी करने होंगे आपको ले सकते हो। जब आपने इसको सिलेक्ट कर दिया है, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कलर आएगा, ये कलर्स हैं, ये कलर्स आपने ले लिए, ये फॉन्ट के कलर्स हैं। इसका साइज बड़ा कर लो। ये इफेक्ट्स हैं इसके, इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट्स आएंगे। कोई भी मैं इफेक्ट ले लेता हूँ, एस्पेक्ट। इन इफेक्ट्स का असर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में जब भी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं तो उस समय कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो उनको हम यूज नहीं करते हैं। तो हमने इफेक्ट्स को लिया नहीं है, तभी आपको इफेक्ट्स को देख नहीं पा रहे हो। अदरवाइज इनसे इनके इफेक्ट्स आएंगे। वैसे तो ये पावर पॉइंट में मोस्टली आप इफेक्ट्स के बारे में जानोगे, तो ये ऑप्शन आपके फॉन्ट को डेकोरेट करने के लिए ही काम आ रहा है। इसके बाद का जो मेन ऑप्शन आपका रहता है, जो इस पेज लेआउट में रहेगा, पेज लेआउट का सबसे पहला बेसिक ऑप्शन है इस मार्जिन। मार्जिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के दौरान आपको पेज सेटअप ही नहीं होता है। कभी वो पेज से बाहर चला जाता है कंटेंट, कभी पेज छोटा हो जाता है और कंटेंट बढ़ जाता है, कभी कंटेंट छोटा हो जाता है पेज बढ़ जाता है, तो आपका जो लेआउट है एग्जैक्टली नहीं आता है। तो अब मैंने इसको क्लिक करके देखा हुआ, आप देखें कि लास्ट कस्टम सेटिंग, ये टॉप और लेफ्ट की मार्जिन सेटिंग है, बॉटम और राइट की सेटिंग है। दैट मींस लेफ्ट और राइट में कितना सा मार्जिन छोड़ने की जरूरत है, आपको पूरी लाइन लास्ट तक नहीं लेनी है, आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। मार्जिन छोड़ने से क्या होगा कि जब भी उसकी बुक बाइंडिंग होती है, या पेज को लिखा जाता है, या कहीं किसी फाइल में लगाया जाता है, तो उसके लिए कोई मार्जिन छोड़ना पड़ता है। उस मार्जिन की जगह पे वो स्टिच होगा, तो आप उसको ओपन करके फिर से भी देख सकते हैं। तो टॉप और लेफ्ट में और राइट और बॉटम में दोनों जगह ये नॉर्मल है, ये आपका नैरो है, ये मॉडरेट है, वाइड है, जो भी आपको रखना होगा इसमें बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट इस तरह से रहेगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट में आप देख रहे हैं कि मार्जिन चेंज हो गया, आपका साइज कम हो गया, ऊपर से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से पेज लेआउट पे जाऊंगा और मार्जिन पे जाऊंगा, तो हमारा जो 1 1 या ये 5 रखा हुआ हमने उसी पे चले जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ है, मैं नेक्स्ट वाले पेज पे ले आता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए देखना। हमने मार्जिन को थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि
हमें स्क्रीन के अनुसार चाहिए। मार्जिन को बढ़ाने से क्या होता है कि आपका जो पेज है उसमें कंटेंट ज्यादा आता है, तो आपका जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में थोड़ा सा कंटेंट कम आता है, मार्जिन उन्हें ज्यादा छोड़ा होता है। लेकिन आप कोई भी ले सकते हो, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल को ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसके जो इफेक्ट्स हैं ये वाले इफेक्ट्स रूलर के ये चेंज हो रहे हैं इससे। अब फिर से नोटिस कर लो, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये मैंने ये किया, आपको लगा कि ये वाला चेंज हो गया। अब मैं इसको फिर नॉर्मल पे आता हूँ, आपको लग रहा है कि ये जो रूरल सेटिंग है पेज की, जो पेज के अंदर डाटा लिखा जा रहा है, इस डेटा को चेंज किया जा रहा है, ये मॉडरेट है। ऐसे ही हम किसी एक को नॉर्मल में लेके रख लेते हैं या कस्टम सेटिंग में ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया दोबारा से। तो आपको मार्जिन सेट करना हो, इस मार्जिन सेट कर मार्जिन को आप नो डाउट कि यहाँ से क्लिक करके रूलर से भी चेक कर सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट होता है, हैंगिंग इंडेंट को क्या कर रहे हैं, क्या आपने सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से ड्रैग करना है। तो आप ड्रैग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरह से दिख रहा है, आप इस तरह से भी इसको ड्रैग कर सकते हो यहाँ से भी, तो आपका पेज सेटअप उसी के बीच में चला जाएगा। ये आपका कंटेंट इसके बीच में आ गया, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। रूलर की सेटिंग को आप फिलहाल चेंज ना करें क्योंकि आपको अगर नहीं पता चल रहा है, लेकिन नो डाउट कभी कभी टेबल्स बनाने में या किसी जगह पे हमें रूलर की सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। कभी कोई टेबल बहुत लंबा है ना, आपको उसके बीच में ही सेटिंग करनी है, तो मार्जिन को बढ़ाना है, तो मार्जिन को बढ़ाने के लिए आपको रूलर की सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। ये जो रूलर है आपको यहाँ से दिखता है, व्यू में जाके ये रूलर क्लिक किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये जो रूलर है, इस रूलर को आप चेंज किया। अगर मैं इसकी रूलर की सेटिंग हटा दूं तो आपको दिखेगा रूलर ऊपर दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे कुछ भी, आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते। कहीं दिख रहा है? नो, कहीं नहीं दिख रहा। तो आपको रूलर लगा के रखना होता है ताकि आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकें। तो हम पेज लेआउट पे हैं, पेज लेआउट में जो मार्जिन है, मार्जिन को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेज का लेआउट कैसा है और किस तरह से चाहिए। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ जिसमें ओरिएंटेशन है। स्टूडेंट, ओरिएंटेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओरिएंटेशन बताता है कि आपका जो पेज है वो हॉरिजॉन्टल निकालना है, वर्टिकल निकालना है, दैट इज पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप में निकालना है। तो अगर अगर आप पेज को टॉप से बॉटम की ओर लेना चाहते हैं, जिस तरह से पेज का आकार होता है, तो वो पोर्ट्रेट साइज रहेगा। अगर आपको उसको लेफ्ट से राइट की ओर लेना है पेज को, तो पेज आपका तो आपको लैंडस्केप आएगा। मैं पोर्ट्रेट पे ऑलरेडी हम हैं, मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा तो देखना आपका जो मार्जिन सेटिंग है किस तरह से चेंज हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, आपका मार्जिन ये जो रूलर है कितना बढ़ गया, क्योंकि पेज लेआउट में हो गया। कहीं कहीं पे आपको कोई चीज प्रिंटिंग करनी होती है, ऐसी कहीं पे लगानी है, किसी जगह पे एग्जामिनेशन हॉल में बाहर लगाना है, किसी सीटिंग प्लान लगाना है, या कुछ भी करना है, तो लंबे साइज में आपको चाहिए। तो मैं इसके अलावा मान लो मुझे क्या लिखना है, सीटिंग प्लान लिखना है, सीटिंग प्लान लिखना है और मुझे बड़ा चाहिए, तो आपको इस तरह से प्रिंट करना है, इसको सिलेक्ट कर लो, तो आप जितना लंबा लेना चाहो तो पेज को इसी तरह से निकालोगे, ये आपका सीटिंग प्लान आ गया। इसी तरह से आपने कोई बोल्ड चीज लिखनी है, तो आपने क्या किया, ओरिएंटेशन ही चेंज कर दी पेज की, पेज की ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। अब लेकिन ये कभी कभी आपको जरूर दिक्कत करेगा कि अगर आपने ओरिएंटेशन चेंज की हुई है, लैंडस्केप लैंडस्केप के डेटा को आप पोर्ट्रेट में कर रहे हो, देखो आपको दिक्कत आ जाएगी कि यार अब क्या हो गया, अब ये तो सारी सेटिंग खराब हो गई पूरी की पूरी। कहीं कहीं पे आपने टेबल बनाए होते हैं, वो तो टेबल सारे चले जाते हैं, तो आपको उसको साइज को कम करना होगा एज पर उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली, कि जहां आपको जितना चाहिए उसी के हिसाब से आप ले लें। तो आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का आपको पता चलता है कि ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप प्रिंटिंग में बेसिकली काम आता है, क्योंकि मैं इसका अगर प्रिंट लेआउट देखूं, आप देखिए कि मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं प्रीव्यू देखता हूँ, ये प्रीव्यू में दिख रहा है, ये प्रीव्यू में इस तरह से पेज आ रहा है। अगर मैं इसी को लैंडस्केप कर दूं तो लैंडस्केप में प्रिंटिंग में इस तरह से दिखेगा, आपका पेज राइट साइड से शूट रहा है, तो आप इसको लंबा ले सकते हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में यही डिफरेंस है, ये आपका पोर्ट्रेट सेटिंग आ गई और ये आपकी लैंडस्केप सेटिंग आ गई। प्रिंटिंग
प्रिंटिंग के लिए आपको कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं, किसी को पोर्ट्रेट में प्रिंट करवाना पड़ता है, किसी को लैंडस्केप में प्रिंट करवाना पड़ता है, तो ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट चाहिए कि इसके बारे में पता हो कि मैं इसको किस तरह से रखना चाहता हूँ, मेरा पेज प्रीव्यू जो है वो किस तरह से दिखे मुझे। तो अब क्लोज कर लेता हूँ प्रिंट प्रीव्यू को, मैंने क्लोज कर दिया। अभी हम लैंडस्केप में ही हैं, तो लैंडस्केप में आप साइज को और भी बड़ा कराना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लैंडस्केप में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है चेंज करने के लिए। और अगर पोर्ट्रेट में करना चाहो तो फिर से पोर्ट्रेट में हो जाएगा, ये पोर्ट्रेट में आपको छोटा दिखेगा। अब आपके साइज को कम करना पड़ेगा, जब साइज को कम करोगे तभी एक पेज पे वो दिखेगा। ये स्टूडेंट्स पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंटिंग के दौरान, मैं बार बार इस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप प्रिंट निकालेंगे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि मुझे लैंडस्केप में निकालना है या पोर्ट्रेट में निकालना है। और प्रिव्यू यहाँ से जरूर देख लें, आप यहाँ पे जाए होम पे, होम पे जाने के बाद आप उसका प्रिव्यू जरूर देख लें कि प्रिव्यू करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जो है किस तरह से दिख रहा है। स्टूडेंट्स एक चीज मैं इसके साथ ही आपको बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, जो भी फाइल आपने बनाई है उसको सेव कर ले। मैं सेव करना आपको पहले नहीं बता पाया था, मैंने सेव करना नहीं बताया था कि सेव किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, जाके ये एक सेव होता है और एक सेव एज होता है। अगर आप इस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप सेव ओनली सेव जो भी डॉक्यूमेंट्स किया हुआ है उसको सेव करना चाहते हैं तो ये सेव हो गया। अदरवाइज आप इसका अगर कोई नाम चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक सेव एज। तो मैंने सेव किया, सीधा सेव में ये सेव हो गया है। सेव में तो ऑलरेडी इसकी नाम से सेव है, क्योंकि ये नाम इसका ऑलरेडी है, इस डॉक्यूमेंट का ये ऑलरेडी नाम है। तो या तो मुझे बदलना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा सेव एज पे क्लिक करूंगा। तो सेव एज पे क्लिक करने से इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, क्लास वन वन दे दिया। तो कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ से क्लिक भी कर लिया, अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, डेस्कटॉप पे आपका सेव हो गया। इस तरह से आज हमने पेज लेआउट में ऑप्शंस देखे हैं, जिसमें आपने कलर्स फॉन्ट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो आप, थीम तो आपने देख लिया वही फॉन्ट साइज है, और मार्जिन किस तरह से सेट किए जाते हैं, और आपकी ओरिएंटेशन जो है उसकी पेज की क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, और ये आपका पेज का साइज क्या है, किस तरह से आप इसको। आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है, कल हम फिर से दूसरे लेसन में मिलेंगे आपसे। तब तक आप प्रैक्टिकल कंटिन्यू रखिए अपना जो एक्टिविटी है, तो तब तक